नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम ऑनलाइन भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट के अंतर्गत सीखेंगे कि BSNL के लैंडलाइन टेलीफोन बिल का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र खोलते हैं और एक वेबसाइट टाइप करेंगे bsnl.co.in, और जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए BSNL की वेबसाइट खुल गई। यहाँ जो ये ऑप्शन है पे लैंडलाइन / ब्रॉडबैंड बिल, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस क्विक पे वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज को आप बुकमार्क कर लें। उसके लिए यहाँ जो ये स्टार का चिन्ह बना है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बुकमार्क वाला ऑप्शन आ गया है। इसे आप डन पर क्लिक करें तो ये पेज बुकमार्क हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के बिलों के लिए यहाँ दिया हुआ है। चूँकि हमारा इंडिविजुअल बिल है इसलिए हम इसे सिलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ आप अपना टेलीफोन नंबर लिखें अपने STD कोड के साथ में। वो कैसे लिखना है ये इसका ये एग्जांपल बाजू में दिया हुआ है। उसके पश्चात आप यहाँ अकाउंट नंबर लिखें। अब अकाउंट नंबर कहाँ लिखा होता है बिल पर, यह जानने के लिए आप जब सैंपल पर क्लिक करेंगे तो देखिए बिल का ये ऊपरी हिस्सा आपके सामने है। तो बिल के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ जो अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो 10 अंकों का होता है, उसे आपको टाइप करना होता है यहाँ। उसके पश्चात आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस भी लिखें और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए आप ये बिल डिटेल वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर बिल डिटेल्स दिया हुआ है, इसे आप चेक कर लें। ये कस्टमर का नाम है सर्कल MP इंदौर, ये टेलीफोन नंबर, ये अकाउंट नंबर, और इधर बिल नंबर, बिल डेट और पे बाय डेट तथा अमाउंट भी दिया हुआ है। इसके पश्चात आप पेमेंट ऑप्शन पर आएं और यहाँ जो लिखा हुआ है ऑल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड्स, उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसे सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID आ गया है। इसे आप नोट करके रख लें तो भविष्य में कभी भी आपको कोई करस्पॉन्डेंस करना हो तो आप इसका रेफरेंस देकर कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप पेमेंट ऑप्शन पर पहुँच गए हैं। यहाँ आपको चुनना है कि आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड्स या पे थ्रू IMPS। अब चूंकि हमें डेबिट कार्ड से करना है इसलिए हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही देखिए सारी बैंकों के नाम यहाँ आ गए हैं। अब चूंकि हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड है वो वीसा कार्ड है, इसलिए हम इसके अंतर्गत जो SBI डेबिट कार्ड का ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिक्योर पेमेंट गेटवे पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ आपको अपने कार्ड के सारी डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आप चुनें कि आपका कार्ड किस टाइप का है, कि मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है या वीसा है। अब चूंकि हमारा SBI वीसा कार्ड है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कार्ड नंबर लिखें, उसके पश्चात आप एक्सपायरी डेट जो कार्ड के मुखपृष्ठ पर लिखी है, मंथ और ईयर, उसके पश्चात आप यहाँ पर CVV2 या CVC2 नंबर लिखें। यह नंबर कहाँ लिखा होता है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए कार्ड के जो पीछे एक सफ़ेद पट्टी होती है उसके बगल में जो 3 अंकों का एक कोड होता है उसे CVV2 या CVC2 कहते हैं, यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या कार्ड वेरिफिकेशन कोड, उसे यहाँ आप टाइप कर लें। उसके पश्चात आप कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर का वो यहाँ टाइप करें। यदि नाम ना लिखा हो तो उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके अकाउंट के अंतर्गत यह कार्ड इशू हुआ है। उसके पश्चात आप यहाँ जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं इस पिक्चर में उसे यहाँ आप टाइप करें और इतना सब करने के पश्चात आप पे पर क्लिक करें। जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो देखिए वेरीफाइड वीसा वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ जो प्रोसीड विद VVV यानी वेरीफाइड वीसा का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें तो देखिए आप यहाँ एडेड प्रोटेक्शन वाले पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ आपको वो 3D सिक्योर पासवर्ड टाइप करना है जो आपने बनाया है, फिर आप सबमिट पर क्लिक करें तो देखिए ये आपका पेमेंट हो गया है।
यहाँ रसीद आ गई है और रसीद का सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। इस रसीद को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करें तो ये रसीद आपके सामने होगी। इसे प्रिंट करने के बजाय आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि ऑनलाइन भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट के अंतर्गत बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन बिल का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें।